हेलो फ्रेंड, सतीश तिवारी हियर फ्रॉम मिचकल हैकिंग ट्यूशन सेंटर जयपुर। आज हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू इंस्टॉल सेंट ओएस 5 इनसाइड योर वर्चुअल मशीन। एक्चुअली हम लोग सेंट ओएस इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर गोइंग टू इंस्टॉल सेंट ओएस इनसाइड आवर वर्चुअल मशीन। सो इफ यू डोंट वॉन्ट रेड हैट, सो इट इज अ काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट फॉर रेड हैट। सो इन प्लेस ऑफ रेड हैट यू कैन इंस्टॉल सेंट ओएस। रेड हैट एंड सेंट ओएस आर सेम। Okay, so let's install it. Start the installation. Click on new and type your CentOS 5. CentOS 5. Here version Red Hat 64 bit. Okay, then click on next. RAM you can give up to 8 GB or 16 GB, whatever you have. I'm just giving 8 GB RAM. Click on next. 22 GB. Click on next. Then go to settings, make some changes. Three changes I am going to make. System, remove the floppy drive, make the hard disk first bootable device. Second, go to storage, click on MPT, select the first option, click on add. और यहाँ से आप CentOS का ISO फाइल जो आपने डाउनलोड कर रखा है वो आप इसको सिलेक्ट कर लो। ओके, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको अपलोड कर दूंगा और गूगल ड्राइव की लिंक दे दूंगा CentOS 5 बूट। ओके, चूज। Then go to the network, in place of NAT, use bridge adapter, okay? Okay, why we use bridge adapter? क्योंकि bridge adapter से क्या होगा, ये सारे virtual machine के साथ communicate करेगा, real machine के साथ भी communicate करेगा और इसके अंदर internet भी चलेगा। Let's start the installation. Press enter here, यहाँ पे enter press करेंगे। यहाँ पे सीडी का ऑप्शन आएगा, इसको स्किप कर देंगे। ओके, नो नीड टू सीडी टेस्टिंग, स्किप कर देंगे। यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब माउस से यूज कर सकते हो, ग्राफिकल इंस्टॉलेशन हो रहा है तो नेक्स्ट 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 यस। यहाँ पे क्रिएट कस्टम लेआउट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन नेक्स्ट। फ्री स्पेस सेलेक्ट करेंगे, न्यू, क्लिक ऑन स्लैश, देन सेलेक्ट द स्पेस 20 GB, हम इसको स्पेस देते हैं, क्लिक ऑन ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, यस, क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ से हम टाइम जोन सेलेक्ट कर लेंगे। टाइम जोन हमारा क्या होगा, टाइम जोन हमारा एशिया कोलकाता रखेंगे हम लोग, अपना इंडिया में जो लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से रख लेंगे। ठीक है, एशिया कोलकाता। नेक्स्ट, रूट का पासवर्ड, यहाँ पे हम रूट का पासवर्ड सेट कर देंगे। रूट का पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, वो 6 डिजिट का पासवर्ड कुछ भी सेट कर देंगे। रेड हैट सेट कर दिया हमने, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आप देख सकते हो, वर्चुअलाइजेशन है, सर्वर का ऑप्शन है, डेस्कटॉप, आप जो इन्वायरमेंट है जीनोम और केडी, दो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट होता है, दोनों में से कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें से आप क्या करोगे, इसमें से आप सिलेक्ट कर लेना वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन और यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। क्लिक ऑन नेक्स्ट, ये इंस्टॉलेशन लेगा, 2 से 3 मिनट समय लेगा, डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम प्रोसेसर, आपका प्रोसेसर कौन सा है, आपके पास रैम कितना है, आपका हार्डवेयर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये कितना टाइम लेगा। मेरे में दिखा रहा 4 मिनट, तो विद इन 4 मिनट ये हो जाएगा। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट, क्लिक ऑन रिबूट,
रिस्टार्ट कर देंगे इसको हम। सिस्टम फर्स्ट टाइम रिस्टार्ट हो रहा है, वेट करेंगे। अब देख सकते हो रेड हैट नेक्स्ट वर्जन लिखा हुआ आ रहा, मतलब रेड हैट का ही ये वर्जन है। यहाँ से हम करेंगे फॉरवर्ड, फायरवॉल इनेबल करना है, इनेबल रहने दो, फॉरवर्ड करते हैं। एसी लाइनेक्स सिक्योरिटी लाइनेक्स पॉलिसी इन्फोर्सिंग मोड में रखना है या परमिशिव, स्टार्टअप जो है उनके लिए परमिशिव सही रहेगा। यहाँ पे करेंगे फॉरवर्ड, यहाँ पे एक यूजर नेम क्रिएट कर सकते हो। सपोज करो मैंने यूजर नेम क्रिएट कर दिया सतीश, पासवर्ड फुल नेम तिवारी, पासवर्ड रख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। करते हैं फॉरवर्ड, यहाँ पर करते हैं फॉरवर्ड, फिनिश कर दें। तो ये हमारा सेंटोस लिनक्स इंस्टॉल हो गया और आपको ग्राफिकल व्यू दिखेगा अभी। यहाँ पे यूजर नेम मांगेगा, रूट से लॉगिन होते हैं, पासवर्ड रूट का जो हम सेटअप किए थे रेड हैट से लॉगिन कर जाएंगे। और ये रहा हमारा सेंटोस, आप देख सकते हो ये सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर जाओगे देखो कितना सारे सॉफ्टवेयर हैं, रेड हैट से ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं, गेम्स भी हैं यहाँ पे आप देख सकते हो जिसको आप प्ले कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, आप इसमें जाओगे ग्राफिक्स में देखो जिम्स सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट में जाओगे आपको ब्राउजर्स मिलेगा, ठीक है, वॉइस ओवर आईपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सॉफ्टवेयर मिलेगा, ईमेल का मिलेगा, कॉन्टैक्ट्स का मिलेगा, इसमें आपको ऑफिस ओपन ऑफिस भी मिल जाएगा जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मूवी प्लेयर भी सॉफ्टवेयर मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट ही। इसके अंदर वर्चुअल मशीन मैनेजर मिलेगा आपको क्योंकि हमने बताया था आपको ग्राफिकल इंस्टॉलेशन किया है। सिस्टम में जाओगे तो इसमें इतना सारे टूल्स मिल जाएंगे आपको, तो ये बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्राफिकल वाले व्यू में। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल करके हम लोग यहाँ से सब अपना आईपी एड्रेस वगैरह चेक कर सकते हैं। इफ कंफिग कमांड से आप देख सकते हो हमने इफ कंफिग कमांड टाइप किया 192.168.29.136, ये हमारा आईपी एड्रेस हो गया। अब वर्चुअलाइजेशन कॉन्फ़िगर करोगे तो उसके भी आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जेन दिख रहा है, जेन वर्चुअलाइजेशन का आपको आईपी एड्रेस मिलेगा, उसके लिए आपको वर्चुअल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, कोई डाउट हो इसके इंस्टॉलेशन में तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको शट डाउन करना हो सिस्टम पे जाओ, शट डाउन कर दो, दैट्स इट।